सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है तो काम भी झटपट से हो जाता है। मेरे पास इस तरह के वुडन शेल्फ आते हैं, ये मैंने पहले ड्राइंग रूम में लगाया हुआ था। अक्सर मुझे मेकओवर करने का बहुत शौक होता है, तो मैं इस तरह की चीजें कभी इधर कभी उधर चेंज करती रहती हूँ। तो ये मैं सेम सेट ऊपर रिप्लेस करूंगी, और ये दो प्लांटर मैंने लिए हैं। तो ये है मेरा DIY मम्मी दा ढाबा। इस तरह की स्लोगन आप लोगों को ऑनलाइन अगर आप देखेंगे 250-300 रुपए में मिलते हैं, और ये मैंने हार्डली जो गत्ता होता है ना उसी से बनाया है। उलन किचन नहीं है, तो आप अपने जो कप मग और प्लेट है वो कैसे रखेंगे। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ श्वेता वर्मा, और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी किचन का मेकओवर करने के लिए शेयर कर रही हूँ वीडियो। जैसे कि सभी जानते हैं, जब मॉड्यूलर आपकी किचन होती है, मॉड्यूलर जैसे कबर्ड वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमें मैक्सिमम स्टोरेज मिल जाती है, काफी ज्यादा स्टोरेज होती है। हम उसमें अपने जितने भी स्पाइसेस वगैरह हैं या फिर दाल चावल चीनी आटा, ये सब ज्यादा से ज्यादा, और कुछ जो आप किचन में देखेंगे ना, किचन में कुकिंग से रिलेटेड इतना स्टफ होता है, कभी कभी समझ में भी नहीं आता है। कई बार क्वांटिटी, आजकल लोग सेल पे जाने लगे हैं, बिग बाजार जाते हैं, चाहे 26 जनवरी है या फिर 15 अगस्त है, डिस्काउंट प्राइस होता है, सेल लिखती है, तो हम लोग काफी बल्क में चीजें उठा लेते हैं और सोचते हैं कि सेल पे है थोड़ा ले ले। दिक्कत तब आती है जब आपके पास कबर्ड किचन नहीं होती, तो उसको स्टोरेज को हम कहाँ रखें। मेरी मॉड्यूलर किचन है वैसे तो, ये देख सकते हैं इधर ये कैबिनेट है और इधर है, और यहाँ पर अवन के पास ही फ्रिज है, जो कि मैंने अभी जस्ट फ्रिज को यहाँ से हटा दिया है, फ्रिज को मैंने बाहर रख दिया है अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ से मैंने फ्रिज हटाया है और उसकी जगह रिप्लेस किया है ये वाला कैबिनेट। सिंक एरिया है, ये है सारा टेबल, यहाँ पर मैं सामान रखती हूँ, अपनी चीजें रखती हूँ, और ये इस तरह से मेरी मॉड्यूलर किचन दिखाई देती है। लेकिन इसे डेकोरेटिव मैंने नहीं कुछ किया हुआ है, सिंपल रखा हुआ है। जनरली जो हमें चीजें चाहिए, हमें अवन चाहिए होता है कुकिंग के लिए, पीछे मिक्सर है, और कॉर्नर पर आप देख सकते हैं मैंने स्टैंड रखा हुआ है बर्तन का, क्योंकि मेरे पास मॉड्यूलर किचन है, तो मॉड्यूलर किचन होने की वजह से मैक्सिमम सामान जो है इन नीचे वाले कैबिनेट्स में, ऊपर वाले कैबिनेट्स में आ जाता है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि अगर आपकी किचन मॉड्यूलर नहीं है तो आप मैक्सिमम अपना सामान कैसे रखेंगे। जैसे मैंने ड्रॉस में नाइफ और जो स्पून सेट वगैरह है वो सब इसी में रखा हुआ है, या मग सेट है, या प्लेटर है, प्लेट वगैरह हम कहाँ रख सकते हैं, अपना लंच ब्रेकफास्ट का जो भी चीजें हैं, और कुछ डेकोरेटिव हम अगर करना चाहते हैं, इनोवेटिव करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर दो कील लगाई हैं, यहाँ पे मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम हैंग करूंगी। चलिए मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। सो ये है किचन, और किचन में एंट्रेंस करेंगे तो एंट्रेंस करने पर ये यहाँ पर मेरा जो है, यहाँ पर पहले फ्रिज था, फ्रिज को हटाने के बाद मैंने सारी टाइल्स क्लीन कर ली है, तो आप देख सकते हैं टाइल्स का काम क्लीनिंग का खत्म हो गया है। अब मुझे अपनी किचन को करना है शिफ्ट और चीजों को करना है ऑर्गेनाइज। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने अपना जनरली जो डेली बेसिस के यूटेंसिल होते हैं, जैसे बच्चा स्कूल जाता है लंच बॉक्स वगैरह, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, मग है, कप है, इस तरह से ग्लासेस वगैरह जो रोज डेली बेसिस पे हमें चाहिए होते वो मैंने यहाँ रखे हुए हैं। क्योंकि मेरे पास पहले जो कबर्ड, ये तो आप फुल्ली फर्निश्ड देख रहे हैं, जब मेरे पास फर्निश्ड नहीं थी तब मैंने ये कॉर्नर लिया हुआ था। ये कॉर्नर स्टैंड बहुत काम आता है दोस्तों, अगर आपके पास मॉड्यूलर किचन नहीं है तो इस तरह के कॉर्नर स्टैंड बहुत हेल्प करते हैं, इसमें मैक्सिमम सामान आ सकता है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपनी किचन का मेकओवर। हालांकि क्योंकि मैंने अभी क्लीनिंग की हुई है, आप देख पा रहे होंगे टाइल्स काफी ज्यादा वाइट है, और ये मैंने डे लाइट में ही आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर कोई गंदगी मार्क होता है तो वो दिख भी जाता है। तो ये देखिए सारी मैंने क्लीन कर ली है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी मेकओवर करती रहती हूँ, इस वजह से किचन को ऑर्गेनाइज
करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये है मेरा एक राइट साइड पार्ट है और ये है मेरा इधर वाला पार्ट जहाँ पे गैस स्टोव और चिमनी वगैरह है और इधर सिंक एरिया है और वो कॉर्नर स्टैंड यूटिलिटी एरिया जिसे मैं बोलती हूँ जनरली, क्योंकि ऑयल वगैरह मुझे फटाफट से चाहिए होता है, शुगर टी इस तरह की चीजें, और बाकी जितने भी आप स्पाइसेस वगैरह हैं ये जैसे आप देख रहे हैं ना ये सारे स्पाइसेस मैंने इधर रखे हुए हैं। अगर आपके पास इस तरह की कॉर्नर टेबल ये कॉर्नर रैक होगी तो ये सारे स्पाइस आप रख के यहां पर भर रख सकते हैं अगर आपके पास मॉड्यूलर किचन नहीं है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी किचन को और देख लेते हैं किस तरह से मैं डेकोरेट करने वाली। तो मैं अपना जो ये ओवन है इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी, इसकी वजह से काफी स्पेस हमारी इस वाले एरिया में हो जाएगी, तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देती हूँ। सो पावर प्लग यहीं है और यहीं पे हमारा काम हो जाएगा और मिक्सर जूसर को भी मैं यहीं पे रख दूंगी। इस तरह से मिक्सर जूसर वगैरह सब कुछ मैंने रख दिया है, पोर्शन इस तरह से हो गया है। कॉर्नर्स पे हटा के हम दूसरी रैक रखेंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर आपकी मॉड्यूलर किचन नहीं है तो आप अपने जो कप मग और प्लेट है वो कैसे रखेंगे, तो उसके लिए एक थ्री लेयर की जो रैक आती है वो मैं वहां रिप्लेस कर दूंगी और उसके बाद उसमें सारा सामान रखूंगी। मैंने ये प्लेट वगैरह रख दी हुई है। सो डेली बेसिस पे जो हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो मैं यहाँ पे। इस तरह से मार्केट में स्पून फॉक और ये इस तरह से होल्डर मिलते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप ये ले लीजिएगा, अदरवाइज बहुत ही कम प्राइस पर जो है बाकी के भी स्पून होल्डर फॉक होल्डर मिलते हैं। जैसे मैंने रेड एंड ग्रीन थीम किया है तो मैंने ये वाला लिया यहाँ पर। जैसे मैंने बताया मॉड्यूलर किचन नहीं है, कप वगैरह रखने के लिए इस तरह के स्टैंड आते हैं तो इनसे आप ये काफी ज्यादा आते हैं, 12 में भी आते हैं, फिलहाल मेरे पास 6 का है तो मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगी। ये वाला कॉर्नर हमारा रेडी हो गया है जहाँ पे हमें डेली बेसिस के जो नाश्ता प्लेट अगर खाना खाना है वो सब पास में ही स्पून है और इधर मैंने मग वगैरह सब कुछ रख दिया। अब इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा डेकोरेट करना चाह रही हूँ तो मैं कैसे करूंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे अगर आप ओवन डेली यूज करते हैं तो फिर आप इस पे ये चीजें अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ ओवन का काम बेकिंग या कुछ जब मुझे चिकन या तंदूरी वगैरह कुछ बनाना होता है तब मैं ओवन का यूज करती हूँ, हार्डली 15 डेज बाद मेरे को यूज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह की चीजें रिप्लेस करना चाहती हूँ जो जैसे मेरी डाइनिंग टेबल जस्ट सामने ही है, तो अगर मैं अगर कुकिंग कर रही हूँ तो कोई भी अगर किसी को जरूरत होती है किसी भी चीज की तो वो जल्दी से यहाँ से पिक कर सके। तो इस तरह के हमारे पास दिवाली पर ड्राई फ्रूट कंटेनर आते हैं, तो ये ग्लास का सेट था, इसमें से एक ग्लास टूट गया था तो अब ये वेस्ट हो जाता है ना कि ये नहीं है, तो इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या तो हम ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने रेड एंड ग्रीन थीम दिया हुआ तो मैं यहाँ पर ग्रीन के हिसाब से रख रही हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें नमक मिर्च जो हमारे जो फैमिली मेंबर है जिनको सर्च करना ना पड़े, मसालादानी ना ढूंढनी पड़े, जनरली होता है ना जब गेस्ट आते हैं तो सब कभी कभी नमक मिर्च कम लगती है तो हम कहते हैं भाई नमक कहाँ है यहाँ है वहां है, तो कोई टेंशन नहीं है, इस तरह से हम फ्रंट में ही अपने नमक मिर्च वगैरह ये रख देंगे। साथ में इस कॉर्नर को थोड़ा सा ग्रीनरी टच और देने के लिए हम लाइव जो प्लांटर होते हैं जैसे ये मनी प्लांट है और बहुत ही क्यूट सा ये कप है, इससे मैं डेकोरेटिव आइटम है
इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगी। बहुत सुंदर खाते हुए हमें अक्सर साथ में जो है सैलेड चाहिए होता है, सिरका वगैरह, अचार, इस तरह की नीड रहती है, तो ये भी मैं यहीं पर रिप्लेस कर दूंगी। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल जो आप देख रहे हैं ना प्याज, ये भी मैंने घर पर ही बनाई है। प्याज और मूली, ये दोनों सिरके वाली मूली है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पर एक कलर एड ऑन कर रही, क्योंकि रेड एंड ग्रीन थी मैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये रिप्लेस कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर वाले पोर्शन को अगर देखें तो बहुत सिंपल सा ये पोर्शन लग रहा है, तो मैं इसको भी डेकोरेट कर रही हूँ। वुडन शेल्फ आते हैं, ये मैंने पहले ड्राइंग रूम में लगाया हुआ था। अक्सर मुझे मेकओवर करने का बहुत शौक होता है, तो मैं इस तरह की चीजें कभी इधर कभी उधर चेंज करती रहती हूँ, तो ये मैं सेम सेट ऊपर रिप्लेस करूंगी। और ये दो प्लांटर मैंने लिए हैं, जो कि मैं यहाँ पर इसको इस तरह से प्लेस कर दूंगी और बहुत खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पर इसके बीच वाले पोर्शन को कवर करने के लिए मैं ये वाली चीज यहाँ पर रख रही हूँ, और सेंटर को कवर करने के लिए यहाँ पर मैं जो हूँ एक मग सेट इसके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये रख रही हूँ। तो सेम टू सेम यही पोर्शन मुझे जो है अब वहां ऊपर हैंग करना है, तो चलिए ये काम भी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक DIY आप लोगों, ये है मेरा DIY मम्मी दा ढावा। इस तरह की स्लोगन आप लोगों को ऑनलाइन अगर आप देखेंगे 250-300 रुपए में मिलते हैं, और ये मैंने हार्डली जो गत्ता होता है ना उसी से बनाया है, उसे काट के, और ये व्हाइट ग्लिटरिंग पेपर है जिससे थोड़ी सी शाइन आपको देखने को मिल जाती है, देखिए। और इस पे मैंने जो है पर्ल वाला एक्रिलिक कलर यूज किया है, ब्राउन, वुडन ब्राउन कलर, और उसमें ये इस तरह से हैंग कर दिया है, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे एक साथ टांगनी है, तो मैं इसलिए इसको अभी से इसी के साथ अटैच कर देती हूँ। किचन में फ्लावर ऐड कर देने से वहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत बढ़ जाती है, आप देख सकेंगे बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ये दो डिजाइन के लिए वीडियो कर दिए, क्योंकि मेरा काम व्लॉगिंग है, मैं डेली व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो बैकड्रॉप्स के लिए एक अच्छा आइडिया है, और सारी चीजें जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होती है वो सब मैंने कर दी है। सेकेंड चीज, हमें इस तरह की कटलरी और फोक वगैरह रखने की भी चाहिए, तो मैंने आपको बताया ना इस तरह के आपको विशाल मेगा मार्ट से बहुत ही 20-30 रुपीस में भी इस तरह का डिस्काउंट में प्राइस में मिल जाता है। सब कुछ मैंने ग्रीन थीम में ही परचेज किया है। और नाइफ होल्डर इस तरह से 200-250 में इस तरह के नाइफ होल्डर आते हैं, ये मेरा ओल्ड है तो ये मैंने यहां से ले लिया है। तो अब इसको हमें जो है, मैं क्योंकि कुकिंग का काम फटाफट से करना होता है, तो मैं गैस बर्नर की राइट साइड में ही ये सारा अरेंज कर रही हूँ, तो चलिए वो भी। कुकिंग का काम सब मुझे यहीं पे चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट चॉपिंग के लिए रख दिया है। और यहाँ पर हम एक रैक रखेंगे जिसपे काफी सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइज हो सके। वैसे तो आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन कई बार होता है ना सफाई करने में थोड़ा हमें इजी हो जाता है, तो मुझे यहाँ पे स्टैंड को रिप्लेस। इस तरह के ग्रिल अवन में आपके अगर पास ग्रिल ट्रे है, नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, बड़े आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही आप देखेंगे इसी जगह हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं जो भी हमारी डेली बेसिस की चाहिए, जैसे कि ये नाइफ होल्डर, सीजर वगैरह इसमें हो गया है, कटलरी वगैरह सब कुछ मैंने इसमें रख दिया है। साथ ही हमें डेली हमें अचार वगैरह लेना होता है, तो ये हम अचार को भी यहीं पर प्लेस कर देंगे। और मॉर्निंग के टाइम है, विंटर का टाइम है, और आजकल जो चाय कॉफी बहुत पी जाती है, तो सेम कप कॉफी मग भी मैं यहीं पर प्लेस कर दूंगी। कई बार मॉर्निंग में गर्म पानी भी पीना होता है, तो इसलिए मेरी कैटल यहीं रहती है, कभी मैं इधर रख देती हूँ, कभी मैं उधर रख देती हूँ। इस वाले सेक्शन में जो है टी और शुगर रखी है, और साथ में ऑयल, एक ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल जिसे हम यूज करते हैं, और थोड़ा सा कलरफुल अट्रैक्टिव देने के लिए मैंने ये एक पेंटिंग यहाँ पर रखी हुई है, जिससे कि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। और ये है आपका गैस कॉर्नर, और साइड में हम जो कॉर्नर स्टैंड देखा था वहां पर हम अपना जो है
कर सकते हैं। तो इस तरह से मैक्सिमम आप अपनी किचन को यू नो मैक्सिमम सामान किचन काउंटर पर रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं किचन काउंटर के रखने के बाद भी बहुत सारी स्पेस है जहां पर आप चॉपिंग कटिंग पेस्टिंग या फिर पीसने का काम कर रहे हैं या फिर ओवन का जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब रख सकते हैं। और ये कैबिनेट मैंने जो है हार्डली सेकेंड हैंड परचेज करी थी, 2000 में मुझे ये मिल गई थी। इसमें दो ड्रॉर्स होती हैं और उसमें मैं ओवन से रिलेटेड जितने भी यूटेंसिल हैं, जो भी बर्तन हैं, जो भी हम यूज करते हैं केक बनाने में, जो भी सामान है वो सब मैं इसके ठीक नीचे रखती हूँ। इसके ठीक नीचे रखने का ये फायदा होता है कि हमें सारी चीजें एक जगह ही मिल जाती है। तो अगर आपके पास मॉड्यूलर किचन नहीं है तो इस तरह से भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सिंक वाले एरिया के पास चलते हैं, वहां हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो सिंक के पास इस तरह की हम बास्केट भी रख सकते हैं, ये भी 35 अराउंड में मिल जाती है, जिसमें हम अपना विम जेल और स्क्रबर, लोहे वाला स्क्रबर और दूसरे वाला स्क्रबर इसके अंदर रख सकते हैं। एक जगह रहने से चीजें ऑर्गेनाइज रहती है। जैसे कि आप अभी तक मेरी किचन को देख रहे हैं, रेड एंड ग्रीन थीम है, तो मैंने मोस्टली चीजें परचेजिंग जो की है वो इसी हिसाब से की है कि मेरी किचन में एड ऑन हो सके बहुत आराम से। आप भी अगर कभी चीजें खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड में ये चीजें ले लीजिएगा, अगर मैक्सिमम कलर आपका वो मिल जाता है तो एक थीम कलर आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो किचन काउंटर पे तो कुछ नहीं है, सिंक के जस्ट ऊपर ही मुझे ये प्लेस कर देना है और जो भी मेरा सामान है वो एक जगह रहेगा। और ये देख सकते हैं आप, छेद है इसमें, आराम से पानी भी आउट हो जाता है, इसमें गंदगी ना होने की चांसेस, मतलब गंदगी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से आप ये जो है अपने सिंक एरिया के पास रख सकते हैं, और अगर आपका मॉड्यूलर किचन नहीं है तो ये तो मैंने आपको मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर ऑर्गेनाइज करने की चीजें दिखाई। सेकंड चीज, जब आपकी सिंक के जैसे ये तो आपके देख रहे हैं कि यहां पर आप देखिए मेरे तो कबर्ड बने हुए हैं, इनकेस अगर आपके मॉड्यूलर किचन में कबर्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो इसके जस्ट ठीक नीचे हम बॉक्सेस रखते हैं, बड़े बड़े वाले बॉक्सेस रख सकते हैं के लिए। इस तरह के 10 kg, 15 kg और 5 kg के आपके पास ऐसे कंटेनर आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है ये, आप इनके ठीक नीचे एक जैसे कलर कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो किचन बहुत अच्छी लगेगी। साइड में मैं अपनी, जब मेरी ये किचन रॉ थी, मतलब जब कबर्ड नहीं था, तो मैं कैसे रखती थी वो भी मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ, फोटो के थ्रू आप देख लीजिएगा। तो मैंने ऐसे ही लाइन में इस वाली साइड रखी हुई थी और बाकी चीजें जो भी बर्तनों का जो छबड़ा होता है, स्टील वाला जो बड़ा बर्तन होता है जिसमें हम मैक्सिमम बड़े वाले कुकर वगैरह कढ़ाई वगैरह वो सब इसके ठीक के पास रखते थे। आप अपनी मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस तरह के डब्बे बहुत रहते हैं। और इसके बाद जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं वो हम इस तरह के जो कॉर्नर स्टैंड होते हैं उनमें रख सकते हैं। ये कॉर्नर स्टैंड बहुत काम आते हैं। इन कॉर्नर स्टैंड पे कैसे रख सकते हैं उसकी वीडियो भी मैंने अलग से सेपरेट बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि मैंने इन कॉर्नर स्टैंड को कैसे यूज किया था, जितने भी मिर्च मसाले या घर के जो भी सामान होता है उनमें हम कैसे रख सकते हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, तो चलिए एक लुक आपको अपने किचन का और दिखा देती हूँ कैसे रेडी हो चुका है।